बात कर रहे थे कि क्लासिकल गुलूकारों के कम फैन होते हैं, ये सोचकर तो आपने क्लासिकल में पॉप मिक्स नहीं कर दिया? नहीं, ये तो मैंने जॉक किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये तो मैंने जोक से कहा है कि हमारे भी बहुत सारे। लेकिन आपने मौसीकी को एक नया अंदाज दिया है। हाँ जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद आपने क्लासिकल में जो पॉप शामिल किया है, यानी लाइट। इंडिविजुअली माई सेल्फ आई कांट से लाइक दैट कि मैं नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद मैंने कोई जहद बख्शी है। हम रूट्स हैं, हम राहें हैं नज़ाकत अली सलामत अली की, नुसरत फतेह अली खान की। हम उनके बाद कोई ऐसी चीज़ अभी तक इजाद नहीं कर सके, अल्लाह करे कि कहीं जाके नहीं ऐसी चीज़ बन जाए। एक वक्त था ना जब क्लासिकल जो घराने थे वो गजल गाना भी अपने लिए तौहीन समझते थे। ये बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो है बिल्कुल एक पॉप और क्लासिकल को जो मिक्स कर दिया गया है। हाँ जी। और ख़ासतौर पर स्टेज पर, जाहिर है स्टेज पर जो है क्लासिकल वो ज़्यादा नहीं चलता, तो ये क्या आपने लोगों में पॉपुलर होने के लिए किया है या आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? देखिए जी, आपकी अपनी अपनी एक स्किल है। मैं क्योंकि समझता हूँ कि पॉप म्यूज़िक भी एक बहुत मुश्किल काम है, ये भी सीखने से आता है। और मतलब बेसिक तो उसकी वही है ना, क्लासिकल पॉप गाएं या आप कोई भी कहे जी मैंने मेजर माइनर से गाया, तो वो जब आप मेजर माइनर को बड़े गौर से देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे राग निकले। तो आपको ज़ाती तौर पर फोक पॉप गीत गज़ल क्लासिकल क्या पसंद है ज़ाती तौर? ज़ाती तौर पर आई लव क्लासिकल म्यूज़िक, आई लव क्लासिकल। iTunes. Yaadon ke silsile mein use khuda ke yaadon ke silsile ज़ाकिर अली खान मेरे उस्ताद भी थे, मैं उनकी नज़र करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ, और शेर में यूनुस भाई की नज़र भी कर रहा हूँ। मैं चांद और सितारों के गीत गाता रहा, काफ़िले ना गए।
यादों के सिलसिले Available on iTunes. Yeah.